राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। समाजिक तत्व साढ़े धरने जाके बकवास करन लगा होया और पुलिस की एड्डी वड्डी नलैकी कोल खड़ के पुलिस उन्हें रोकने की बजाय सानू लोगों नूं फड़दी पई है। यही कुछ पुलिस ने परसों फिरोजपुर च कीता जो अज लुधियाने च हो रहा। लॉ एंड ऑर्डर का पंजाब एड्डा बुरा हाल है। डी जी पी साहब चूड़ियां पाओ तो अपने दफ्तर च बह जाओ, नहीं तो असीं भेज दिंदे आ। इस तों बाद पंजाब च पुलिस का माड़ा हाल नहीं हो सकता जो अज कर रही है पंजाब पुलिस। पंजाब दे विच भाई साहब अभी शांतमय तरीके का धरना दे रहे हैं, उसे बैठे तो एक बंदा बिच बढ़ के वीडियो बना के गाला कटे मोदी जी बारे और पुलिस उन्होंने रोकने की बजाए जो अं रोकते हैं तो पुलिस सानू पैंती है, ये कितने की इंसानियत है। फिर पुलिस कहती है भी वो मूर्ख आदमी है, तुम पढ़े लिखे हो। वह असं पढ़े लिखे ने सारी उम्र कुट खाने का ठेका लिया होया। परसों फिरोजपुर भी पुलिस यही कहती मूर्ख आदमी ने जी तुम पढ़े लिखे। अभी क्या हुआ था, किसके हमने धरना कितने लगाया, उसमें क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने जो मोदी जी के साथ परसों पंजाब गवर्नमेंट ने किया उनको मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की और उन्होंने स्वयं जाते हुए कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मोदी जान बचा करके यहाँ से निकल गया। उसी के अंतर्गत, उसके विरोध का अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर और पूरे देश के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर आज ये धरना प्रदर्शन रखे। परंतु यहाँ पर एक निहंग टाइप का आदमी जो कि अनगर्ल बातें करने लगा और पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही, मूक दर्शक बन के खड़ी रही। इससे बात ये साबित हो जाती है कि पुलिस दंगाइयों के साथ मिली हुई है। मजबूर होकर के जब वो अपशब्द बोलने लगा, कोई निहंग था हम नहीं जानते कौन है, तब हमारे कार्यकर्ता उसको रोकने आगे को बढ़े तो पुलिस ने उसको भगाया। इस बात में कोई शक नहीं कि जो प्रधानमंत्री जी को परसों मौत के मुंह में धकेलने की साजिश थी उसमें पंजाब पुलिस, यहाँ का डीजीपी और यहाँ का मुख्यमंत्री चन्नी मिले हुए हैं। पूरे पंजाब के अंदर एक भय का वातावरण बनाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर अमन और शांति के लिए, भाईचारे के लिए काम करती है, करती रहेगी। धन्यवाद। क्या हुआ था आज, क्या हंगामा हुआ था? देखो आज नहीं, 5 जनवरी कल जब देश के प्रधानमंत्री हमारे पंजाब में बहुत ही पंजाब को तोहफा देने वाले थे, पंजाब के बारे में सोच के आए थे कि पंजाब को खुशहाली के लिए मैं कुछ करके आऊं, उस टाइम कुछ गुंडों ने मिलके चन्नी सरकार के साथ मिलके, चन्नी सरकार और डीजीपी जो पंजाब है इन्होंने दोनों ने मिलके आपस में समझौता करके जो पंजाब का माहौल खराब करना चाहा, देश की जनता सब देख रही है। मैं तो ये चाहता हूँ कि पंजाब के डीजीपी को और पंजाब के जड़े सीएम है चन्नी जी दोनों पे पर्चा दर्ज करके इनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पाकिस्तान के कुछ साथ संबंध हैं। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज़।